गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सबको पता है कि हमने साइंस का 8th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड इन विच वी हैव रीड अबाउट ऑर्गन सिस्टम्स। तो हमने ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में डिटेल से रीड किया था। सो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है टिक द करेक्ट आंसर्स। हमें करेक्ट आंसर्स पे टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कोल्ड। ऐसा प्लेस हमें बताना है जहाँ पे टू या उससे ज़्यादा बोन्स आकर मिलती हो, तो उस प्लेस को क्या बोलेंगे? तो जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स आकर मिलती है, उस प्लेस को बोला जाता है जॉइंट। सो यहाँ पे आंसर ऑप्शन आएगा अपने पास बी, ऑप्शन बी जॉइंट। नेक्स्ट, मसल्स आर अटैच्ड टू। मसल्स जो हैं वो अटैच्ड होती हैं। अब किससे अटैच्ड होती हैं? ऑप्शन ए बोन्स, ऑप्शन बी नर्व्स, ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं उनमें से ऑप्शन ए करेक्ट है। मसल्स जो हैं वो बोन्स से अटैच्ड होती हैं। नेक्स्ट, द ऑर्गन्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर। हमें इनमें से एक ऑर्गन बताना है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें से किसी ऑर्गन को कंसिस्ट करती है। ऑप्शन ए द लंग्स, ऑप्शन बी द पैनक्रीज, ऑप्शन सी द किडनीज। अब बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा पार्ट आता है। फर्स्ट जो है ऑप्शन द लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट, तो आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट, The organs that are not a part of excretory system are। excretory system का जो organ नहीं है इनमें से कौन सा ऐसा organ है जिसका एक part नहीं है? First, the uterus, option B the nerves and option C the kidneys। तो इनका इसका answer है option B the nerves, जो कि excretory system का एक part नहीं है। Next, ब्लड गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के हर अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। अब किसकी हेल्प से जाता है वो, कहाँ से होता हुआ जाता है वो हर हमारे बॉडी पार्ट तक, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी नर्व। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्लड वेसल्स जिसमें से होता हुआ ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक पहुँचता है। ओके, नाउ नेक्स्ट बी, स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे हमें ऑर्गन सिस्टम दिए हुए हैं एंड ऑर्गन्स दिए हुए हैं उनके सामने। हमें बताना है कि जैसे फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उनमें कौन सा इनमें से बॉडी पार्ट नहीं आता, मीन्स इसमें से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो फर्स्ट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमने रीड किया था, हमें पता है कि उसमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्टमक, जो भी इसमें आता है, माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, नोज़ डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आता। तो इस पे आप सर्किल बना दो एक, ओके, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आते हैं कुछ ऑर्गन्स जो हम देखेंगे यहाँ पे, ब्रेन, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्रेन जो है वो कंसिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, नर्व्स, लंग्स एंड विंड पाइप। यहाँ पे नर्व्स ऐसा ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बिलोंग नहीं करता, बल्कि नोज, लंग्स एंड विंड पाइप जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। नाउ लास्ट, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें है ऑप्शंस हैं अपने पास किडनीज, यूट्रस, यूरेथ्रा एंड माउथ। तो इनमें से माउथ जो है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में कंसिस्ट नहीं करता। सो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आप सब भी ये बुक में टिक कर लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।